मशरिक न्यूज के नाजरीन आदा, दिन भर की अहम खबरें। उद्धव ठाकरे ही होंगे महाराष्ट्र के वजीर आला। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की रजामंदी, गवर्नर से मिलेंगे आज। आधार कानून में निजी कंपनियों को शामिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत और डीएआई से मांगा जवाब। दिल्ली में गंदे पानी का मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरओ बनाने वाले 10 दिन में हुकूमत के सामने रखें अपनी बात। बंगाल में गाय चोरी के शक में भीड़ ने दो लोगों को पीट पीट कर मार डाला, 13 गिरफ्तार। जेएनयू तलबा मामले में राज्यसभा में कम्युनिस्ट अरकान और बीजेपी लीडरों में बहस। तलबा से बातचीत करने के लिए वजारत की कमेटी का जेएनयू दौरा। इस्मत दरी और अगवा का मुलजिम साधु नित्यानंद मुल्क से फरार। गुजरात पुलिस ने कहा, यहां तलाश करना बेकार है। हिंदुस्तान में 5 अरब डॉलर की मईशत का सवाल ही नहीं। रिजर्व बैंक के साबिक गवर्नर रंग राजन का बयान, रिश्वत देकर काम कराते थे अमित शाह। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने सुशील मोदी का वीडियो ट्वीट किया। इंतखाबी बॉन्ड के खिलाफ पार्लियामेंट हाता और फरीदाबाद ने मंदी, महंगाई और बेरोजगारी पे कांग्रेस का एहतजाज और मुजहरा। कंपनी के खिलाफ चल रही दहशत गर्दों की फंडिंग की जांच, इस कंपनी से बीजेपी ने 10 करोड़ का चंदा लिया। इलेक्शन कमीशन को दिए तफसीलात में इंकिशाफ। बिग बॉस के घर में लड़ाई जारी, घर से बाहर हुए खेसारी लाल। सलमान खान ने नहीं, बिग बॉस ने किया बाहर। खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट कंपनियों को कस्टमर की तस्दीक के लिए आधार डेटा इस्तेमाल करने की इजाज़त देने वाले कानून में तरमीम की आईनी जवाज को चैलेंज करने वाले अर्जी पर मरकजी हुकूमत से जवाब तलब किया। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस बी आर गवाई की बेंच ने मफाद आम्मा की अर्जी पे समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत और इंडियन यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी को नोटिस जारी किया। अर्जी में इल्जाम लगाया है, आधार कानून में 2019 की तरमीम सुप्रीम कोर्ट के साबिक हुक्म के खिलाफ वर्जी है। हुकूमत ने इसके जरिए प्राइवेट कंपनियों के पिछले दरवाजे से एंट्री कराई है। इससे पहले 5 जजों की आईनी बेंच ने आधार कानून के जवाज को बरकरार रखते हुए कुछ एतराजात किए थे और कहा था कि प्राइवेट कंपनियों को कस्टमर की इजाजत से भी उनकी मालूमात की तस्दीक के लिए डेटा इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बाद में मरकज ने कानून में तरमीम करते हुए बैंक अकाउंट खोलने और मोबाइल फोन कनेक्शन हासिल करने के लिए सार्फीन की शनाख्ती कार्ड के तौर पर आधार का इस्तेमाल करने की इजाजत देते हुए कानून में तरमीम की थी। एक दूसरे मामले में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, इत्तेहाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। अर्जी में कहा गया कि रियासत में वोटरों ने बीजेपी, शिवसेना, इत्तेहाद के लिए वोट दिया है। अब बने इत्तेहाद में शामिल पार्टियों ने एक दूसरों के खिलाफ इंतखाब लड़ा था, ऐसे में वो इत्तेहाद कैसे कर सकते हैं? इत्तेहाद से हुकूमत बनाना वोटरों के साथ विश्वासघात होगा। अर्जी में मुतालबा किया गया है कि अदालत गवर्नर को हिदायत दी है कि वो एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, इत्तेहाद को हुकूमत बनाने के लिए मदु न करे। ये अर्जी महाराष्ट्र के ही रहने वाले एसआई सिंह ने दर्ज कराई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में गंदे पानी के मामले पे आरओ कंपनी की दरखास्त पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की पाबंदी में किसी तरह की मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। जस्टिस आरएफ नरीमन की सरबराही में कायम बेंच ने आरओ बनाने वाली कंपनी को अपनी बात 10 दिन के अंदर मरकजी हुकूमत के पास जाकर रखने की हिदायत दी है। उद्धव ठाकरे ही होंगे महाराष्ट्र के वजीर आला। तीनों पार्टियों ने रजामंदी जाहिर की। वजीर आला के ओहदे के लिए शिवसेना सरबरा उद्धव ठाकरे के नाम पर इत्तेफाक हो गया। इसका ऐलान आज एनसीपी सरबरा शरद पवार ने किया है। आज शाम पवार ने तीनों पार्टियों की मीटिंग के बाद सहाफियों को बताया कि शिवसेना के सरबरा उद्धव ठाकरे कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के इत्तेहाद की कयादत करेंगे। उद्धव ठाकरे जी के लीडरशिप के बारे में हमारे यहाँ सहमति हुई और रियासत में आइंदा सरकार बनाने के लिए दावा पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत पॉलिसी और प्रोग्राम के तहत चलाई जाएगी, उसके बारे में तफसील
सनीचर को पेश कर दी जाएगी। 2 घंटे तवील मीटिंग में उद्धव के नाम पर कोई इतराज नहीं उठा और वजीर आला के लिए उनका नाम पेश कर दिया गया है। इस मौके पे उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस दरमियान तवील गुफ्तगू हुई और तबादलाएं के बाद हर एक मौजू पे इत्तेफाक राय हुआ है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के मुश्तरका इत्तेहाद का नाम महाराष्ट्र विकास अघाड़ी तजवीज किया गया है। सनीचर को होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीर पेश की जाएगी और इसके बाद हुकूमत बनाने के लिए दावा पेश किया जाएगा। बीजेपी के साबिक वजीर मालियात यशवंत सिन्हा वजाहत हबीबुल्ला और दिगर अफराद के साथ कश्मीर का दौरा करने पर कहा कि और इसका सवाल नहीं है, कश्मीर का सवाल है और आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि मैं सितंबर के महीने में एक बार मैंने कोशिश की थी आने की अपने साथियों के साथ, तो मुझे इजाज़त नहीं दी गई। श्रीनगर हवाई अड्डे से मुझे वापस कर दिया गया था। इरादा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उससे बात करें और एक असेसमेंट करें, इंडिपेंडेंट असेसमेंट कि यहाँ ग्राउंड सिचुएशन क्या है, जो इकोनॉमिक लॉस है वो क्या हुआ है, इतने लोगों की रोजी रोटी गई, ये एस्पेक्ट जो है ये नॉर्मलसी में काउंट भी नहीं हो रहा है इकोनॉमिक लॉस के चलते। तो ये हम लोग खास तौर पर देखेंगे, सब लोगों से बात करेंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से अभी बात करेंगे। जो लोग आते हैं उनका यहाँ इन्वेस्ट करने का कोई इरादा है नहीं है, मुझे लगता है कि इन हालात में मुश्किल होगा। पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स अभी जेल में हैं, एमएलए हैं तारिक आमी साहब और लोग हैं, वो लोग जेल में हैं, तो नॉर्मल कैसे है सब कुछ। लगता है कि उन्होंने जो पार्लियामेंट में बयान दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था। एक तो उसमें बहुत सारी बातों का जिक्र नहीं था जिसका जिक्र होना चाहिए था, और जो कुछ उन्होंने कहा और नॉर्मलसी की जो तस्वीर उन्होंने मुल्क के सामने रखने की कोशिश की वो सही नहीं है। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन, शब बख़ैर।